हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्नी देवी, बिहार रेसिपी फूड चैनल में सभी का स्वागत है। आज मैं एक फिर नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें है सहजन का पत्ता। इसका मैं पराठा बना के दिखाऊंगी। और ये है एक कटोरी आटा, और ये है काला मिर्च और जीरा का पाउडर है, ये है अजवाइन, ये लाल मिर्च, हरी मिर्च, यहाँ लहसुन है छिला हुआ काट ली हूँ मैं, और यहाँ अदरक है उसको मैं भी काट ली हूँ, और नमक है। इस सब को मिक्स करके मैं पराठा बना के दिखाती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में पानी डालकर सहजन के पत्ते को उबाल लेती हूँ और गैस को ऑन कर लेती हूँ, और इसको ऐसे पानी में उबाल लेती हूँ। देखिए मैंने उबालने के लिए डाल लिया है, इसको 2 मिनट के लिए उबालूंगी और उसके बाद आगे वीडियो में बने रहे दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, अब मेरा ये सहजन का पत्ता है जो उबल गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ, इसको मैं गमले में निकाल लेती हूँ और उसके बाद आगे मैं दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, देखिए मैं सहजन के पत्ते में आटा मिक्स करके गूंद रही हूँ। आटा पूरा नहीं डालना है, हल्का हल्का डालना है, और उसके बाद मैं ये ज्वाइन है, ये हरी मिर्च या लाल मिर्च, इसको भी मैं डाल देती हूँ, और ये है काली मिर्च है और जीरा पाउडर है, दोनों को मैंने मिक्स करके पीस ली हूँ, ये डाल देती हूँ, और ये है लहसुन और अदरक, इसको भी मैं डाल देती हूँ, और ये है नमक, इसको भी मैं डाल देती हूँ, और इसको ऐसे सानती हूँ, गूंदती हूँ। गूंद कर मैं दिखाती हूँ दोस्तों आगे। देखिए दोस्तों, मैंने आटा गूंद कर तैयार कर ली हूँ, ये है मेरा आटा। देखिए अब इसको मैं पराठा बना के दिखाती हूँ। उसके लिए मैं चकला लेती हूँ, और ये है बेलना, और इसको मैं पराठा बनाती हूँ गोल गोल करके। इसके लिए गैस को ऑन कर लेती हूँ, गैस मैंने जला लिया है, उसके बाद मैं ये गोल करके इसका पराठा बेलूंगी। इसको तेल के सहारे पराठा को बेलना है, ऐसे तेल के सहारे पराठा को बेलना है। ऐसे दोस्तों, इसको मैं अभी इसके पराठा को सेकती हूँ। और ऐसे इसको मैं ऐसे पलट लेती हूँ, पलट ली हूँ, और एक और बेल कर तैयार कर लेती हूँ ऐसे। तो देखिए दोस्तों, एक और बेल कर ऐसे तैयार कर लेती हूँ, जब तक वो पराठा मेरा पक रहा है तावे पे। देखिए दोस्तों, इस पे मैं रिफाइंड तेल डाल रही हूँ, जो कि पराठा मेरा देखे में सुंदर लगे और खाने में भी
से। देखिए दोस्तों, मेरा पराठा ये बनकर रेडी हो गया है। देखिए अब इसको मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। तो एक और मैं पका रही हूँ और इसको पका के मैं दिखाती हूँ मेरा पराठा। मैं आगे फिर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा पराठा बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको अच्छी लगे तो घर पे ट्राई कीजिए, बनाकर देखिए और खाइए। खाकर अगर टेस्ट लगे तो, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो में और दिखाऊंगी, डालूंगी।